संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, संवेशकर तीर्थराज की पावन धरा वसुंधरा गुणायतन तीर्थ, जहां से आप इस वर्ष पर्वराज पर्यूषण के श्रावक संस्कार शिविर के प्रथम दिवस शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं। देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले, सुनने वाले सभी पुण्यात्माओं का और यहां पर साक्षात उपस्थित सभी श्रावक शिविर में भाग लेने वाले श्रावक बंधुओं का और अन्य अतिथियों का गुणायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, गुणायतन की एक अनुपम रचना का निर्माण लगातार यहां पर जारी है और देश और दुनिया के कोने से अनेक लोग अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए अपना अंशदान उसमें प्रदान कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जो स्वर्णिम इतिहास बनने जा रहा है वे भी उसके सहभागी बन सकें। आज भी कुछ नाम हमारे बीच हैं जो गुणायतन परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। हमारी अपेक्षा होगी कि जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका सम्मान करेंगे, उनकी दान की अनुमोदना करेंगे। आज गुणायतन से जुड़ने वाले नए साथियों के रूप में जो संस्थापक सदस्य अर्थात ट्रस्टी के रूप में, पहले वह सूत्रधार थे लेकिन अब संस्थापक सदस्य के रूप में, ट्रस्टी के रूप में गुणायतन परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं, हम बहुत सम्मान से उनके लिए आमंत्रित करते हैं। पहले हम सम्मान करने वालों को आमंत्रित कर लेते हैं। आज जो ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं, श्रीमती शकुंतला जैन, सारिका जी, धर्मा जी, आर्यन जी, अदिति जी जैन परिवार जबलपुर से, जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। हम सम्मान सहित आमंत्रित करते हैं श्रीमती शकुंतला जैन, सारिका जी, धर्मा जी, आर्यन जी, अतिथि जी जैन जबलपुर। आपके सम्मान के लिए हम इस महोत्सव के दोनों सौधर्म इंद्र को आमंत्रित करते हैं। दुर्गापुर जो कि गुणायतन के श्रोमणि संरक्षक हैं, आपके भैया दीपचंद जी जैन साथ में आ जाए, कोई बात नहीं है। और द्वितीय सौधर्म इंद्र श्रीमान महावीर जी आशा जी लोहारिया कोलकाता पधारेंगे दोनों सौधर्म इंद्र। और आज जो गुणायतन परिवार में ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं उनका सम्मान करेंगे और आप लोग इस दान की अनुमोदना करेंगे। करतल ध्वनि के माध्यम से अनवरत जारी रहना चाहिए। ट्रस्टी के रूप में द्वितीय परिवार सम्मिलित हो रहे हैं गुणायतन परिवार में, श्री कमल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, वरुण जी, गरिमा जी, गौरव जी, आकांक्षा जी, टीशा जी, अनया जी जैन गुड़गांव हरियाणा से पधारे, बहुत सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूं। श्री कमल कुमार जी जैन, श्री कमल कुमार जी जैन, श्रीमती अनीता जैन, वरुण जी, गरिमा जी, गौरव जी, आकांक्षा जी, टीशा जी, अनया जी जैन गुड़गांव हरियाणा से पधारेंगे। आपके सम्मान करने के लिए हम दोनों चक्रवर्ती को यहां पर आमंत्रित करते हैं। सुरेंद्र प्रीति जी जैन गुवाहाटी आसाम से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, और आपके साथ में श्री सुभाष जी जैन गुणायतन सीईओ और एनएल जैन साहब जयपुर, कृपया पधारें। और आज जो ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित हो रहे, थोड़ा सा गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में गुणायतन परिवार में सम्मिलित हो रहे, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। गुणायतन परिवार में आज सूत्रधार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं श्री राजेंद्र कुमार जी जैन रेलवे गार्ड, श्रीमती सुलेखा जैन, समिधा जैन, अनिमेश जैन कटनी से पधारें। और आपका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं इस महोत्सव के दोनों कुबेर इंद्र, श्रीमान प्रेमचंद जी माया जी जैन प्रेमी परिवार कटनी सतना गुणायतन ट्रस्टी, और द्वितीय कुबेर श्रीमान प्रदीप कुमार जी संध्या जी जैन महावीर मेडिकल सागर गुणायतन ट्रस्टी, कृपया पधारें। और आज जो सूत्रधार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं श्री राजेंद्र कुमार जी जैन रेलवे गार्ड, श्रीमती सुलेखा जैन, समिधा जैन, अनिमेश जैन कटनी, आपका सम्मान कटनी से मुकेश जी मोदी, मुकेश जी मोदी आ जाए, उनकी ओर से सूत्रधार के रूप में जो आज सम्मिलित हुए उनका सम्मान लेने के लिए यहां पधारे। और हमारे दोनों कुबेर इंद्र आज जो सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करें। निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं, जो निर्माण निधि में पहले थे अब निर्माण मित्र से जुड़ रहे हैं, श्रीमती तेजाबाई धर्मपत्नी कैलाश चंद जी नाहर जबलपुर से, श्रीमती तेजाबाई धर्मपत्नी कैलाश चंद जी नाहर जबलपुर से कृपया पधारें।
अगर यहां पर उपस्थित है श्रीमती तेजाबाई धर्मपत्नी कैलाशन जैन नाहर जबलपुर, आज कटनी से निर्मल जी सौदर्ण परिवार, श्रीमती मिलन जी, श्रीमान राजकुमारी जी, लालू श्रीमती इति जी, लवलीन ओजस कटनी, उन्होंने गुणायतन के लिए दो स्वर्ण चूड़ियां प्रदान की हुई हैं। हाँ, अपने पास ही रखें और आपका सम्मान ग्रहण करेंगे सोम जी, उनकी बड़ी मम्मी है ये, सोम जी कटनी पधारे और उन्होंने जो गुणायतन परिवार के लिए दो स्वर्ण चूड़ियां प्रदान की हैं, उसके लिए वह सम्मान ग्रहण करें श्री सोम जी। और दोनों यज्ञ नायक महायज्ञ नायक मनोज अनामिका बाकलीवाल इंदौर और कमल कुमार अनिता जैन गुड़गांव हरियाणा, कृपया पधारे और उनका सम्मान करें। निर्माण निधि से आज जुड़ रहे हैं श्री सुभाष चंद्र जी जैन गंगवाल, श्रीमती निर्मला देवी जैन गंगवाल इम्फाल से, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से एक बार सभी का सम्मान करें। हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच जिनेंद्र लाला और रवि जी मोठिया रतलाम से हमारे बीच हैं गुणायतन दृष्टि, कृपया पधारे दोनों। दोनों गुणायतन दृष्टि है, पधारिएगा और सम्मान करने के लिए नरेंद्र जी सेठी और डब्बू कासलीवाल पधारिएगा। जिनेंद्र जी चलेगा, देश और दुनिया के सभी लोग महाराज श्री के मंगल आशीष की प्रतीक्षा में हैं और आप सब भी महाराज श्री के मंगल आशीष की प्रतीक्षा में हैं। मंगल आशीष आपको भी मिले उसके पूर्व हम इस श्रावक संस्कार शिविर के हमारे जो चारों विशेष संयोजक हैं नरेंद्र जी सेठी, डब्बू जी कासलीवाल, राजेश जी विनायका, अन्नु जी अजमेरा, उनको इस मंच पर आमंत्रित करते हैं यहां पहुंचकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करें। हमारे शिविर के चारों जो मुख्य संयोजक इनके ही कंधों पर सारे दारु मधुर तन मन धन सभी से समर्पित एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से, संपूर्ण व्यवस्था इन्हीं के हाथों में है। आइएगा, इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे सभी के लिए महाराज जी का मंगल आशीष मिल सके दोनों हाथों को जोड़िए। और आपके ही सहयोग के लिए अरिहंत अजमेरा बड़वानी से, पीयूष जैन कोपरगांव से, मनोज राही कन्नौज से और गोल्डी जैन रीवा से, चारों कार्यकर्ता और आ जाए और मुकेश मोदी जोरदार करतल ध्वनि से बंधु, ये वो साथी हैं जो सुबह से शाम तक आपकी व्यवस्थाएं बनाते हैं, किसी भी कार्यक्रम में सहभागिता नहीं दे पाते। सरस शराब की कटनी और सुरेंद्र, चलिए पधार रहे एक बार जोरदार दोनों हाथों को ऊपर उठा करके इन सभी कार्यकर्ताओं के लिए, इस शिविर के वो स्तंभ हैं जो आपके लिए संपूर्ण सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, सुबह से शाम तक आहार व्यवस्था हो, आवास व्यवस्था हो, चाहे आपकी कोई भी व्यवस्था हो, इन साथियों के ही कंधों पर है। और इसके बाद हम आमंत्रित कर रहे हैं जो प्रतिवर्ष संपूर्ण व्यवस्थाओं को अंजाम देते हैं, पूरी रूपरेखा उनके पास में है, अभी तक के शिविरों की फाइल सब कुछ है। हम सुरेंद्र जी गंगवाल अजमेर से, आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उनको आमंत्रित करते हैं, सुरेंद्र गंगवाल अजमेर से पधारे। चलिएगा, सुरेंद्र गंगवाल अजमेर से अगर यहां हो तो जल्दी से आ जाए मंच पर मंगल आशीष ग्रहण करने के लिए। हाँ चलिए, वो भी अभी आ गए आ जाओ। बंधुओं दोनों हाथों को जोड़ते हैं महाराज श्री का जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से। सुरेंद्र गंगवाल एक ऐसा अकेला साथी है जो संपूर्ण कार्यों को अंजाम देते हैं और सही रूपरेखा के साथ वह अपनी दिशा में आगे बढ़ते। आइएगा, दोनों हाथों को हम जोड़ते हैं और महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और प्रथम प्रश्न के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर शोभा जैन राजेंद्र जी जैन विदिशा से गुणायतन दृष्टि, और इसके बाद में तैयार रहेंगे अनिल अमिता जी जैन दुर्गापुर गुणायतन शिरोमणि संरक्षक और इस महायज्ञ के सौधर्मेंद्र। पूज मुनि श्री स्वामी सागर जी महाराज ने एक उदाहरण दिया था कि समाजस्थ मुनि धीर सागर जी जब कुंडलपुर में सामायिक में बैठे हुए थे तो इतने निमग्न हो गए थे कि उनको चूहे ने उनका पैर का अंगूठा काट लिया, उन्हें पता भी नहीं लगा। जब उनका ध्यान समाप्त हुआ तब उन्हें लगा कि कुछ हो रहा है,
तो देखा वहाँ खून खून पड़ा हुआ था, जबकि हम लोगों को एक चींटी भी काट जाए तो हमें बहुत तकलीफ होती है। तो हे महाराज श्री, इस ध्यान की उच्चतम अवस्था में कैसे प्राप्त कर पाते हैं, कृपया बताने का। देखिए, ध्यान एक साधना है और ये अभ्यास से सधता है। जिसका जितना प्रगाढ़ अभ्यास, उसका ध्यान उतना उत्तम होगा। तो हम अपने अभ्यास को निरंतर बनाने की कोशिश करें, बढ़ाए रखने की कोशिश करें। सतत अभ्यास से हम ध्यान में निपुणता पा सकते हैं। आप ध्यान की बात छोड़ दीजिए, कई बार कोई काम आप मगन होकर करते हो और आजू बाजू में क्या घटा पता ही नहीं लगता, समझ गए? एक बार कुछ लोग पिक्चर देख रहे थे, पिक्चर बड़े ध्यान से देख रहे थे। इसी बीच एक व्यक्ति ने कहा कि भैया देखो, वो बार बार मूंगफली खाकर उसके छिलके बाजू वाले के जेब में डाल रहा है। वो मूंगफली खा खा कर उसके छिलके बाजू वाले की जेब में डाल रहा है। तो फट से डालने वाले ने कहा, तुम्हें पता लगा क्या? उसकी जेब वो पहले भर चुका है। बात समझ में आ रही है? तो जब ध्यान हमारा कहीं केंद्रित हो जाता है तो बाकी दुनिया से संपर्क टूट जाता है और यह सब केवल अभ्यास से फलता है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मुनि दया के चरणों में नमोस्तु। ठीक है, एक को सवाल करना। हाँ, बस एक मैं कल करूंगी। हाँ, नमोस्तु गुरुवर। 10 दिन में एक दिन भी नंबर आ जाए तो बहुत। अनिल, हाँ। अनिल अमिता जी जैन दुर्गापुर। देखो भाई, व्यवस्था ऐसी बनाना जिनका आज नंबर आया 3 दिन नंबर मत देना, 3 दिन बाद। हाँ, सबको मौका मिलना चाहिए, बहुतों को शिकायत रहती है, ठीक है ना? चलिए, अनिल अमिता जी जैन दुर्गापुर, श्रोमणि संरक्षक गुणायतन, इसके बाद में तैयार रहेंगे अरिहंत अजमेरा पड़वानी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हर साल पर्युषण पर्व मनाते हैं, क्षमा वाणी आती है तो क्षमा याचना भी एक दूसरे से करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो बैर की गांठें वहीं पड़ी रह जाती हैं। हम मुंह से बोल देते हैं क्षमा कीजिए या हमने तुम्हें क्षमा किया, लेकिन गुरुदेव, जो मन के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती हैं, जो कड़वी बोली होती है, वो मन में इतना घाव कर देती है कि हम उसको चाह कर भी उससे विलग नहीं हो पाते। तो गुरुदेव, उसके लिए क्या किया जाए कि हम कभी उसको याद ही ना करें? देखिए, बात बिल्कुल सही है। मेरा मानना ये है कि जब हमारी क्रियाएं महज औपचारिक बन जाती है तो उसका प्राण खो जाता है। परिणामतः उसका जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो पहली बात, हम अपनी क्रियाओं को औपचारिक स्तर पर करने की जगह अंतःस्पर्शी भाव से करें। आज सुबह के प्रवचन में मैंने यही बात आप सबसे कही थी, जब कोई बात अंतरंग से होती है, जब कोई बात अंतरंग से होती है तो उसका असर कुछ और होता है, और आधे अधूरे मन से होती है तो उसका प्रभाव कुछ और होता है। हमारे भीतर क्षमा की भावना घटेगी कब? जब हम क्षमा को अपना आदर्श समझेंगे तब। क्षमा भाव को अपना आदर्श समझो, क्षमा में अपना हित समझे और वैर प्रतिशोध में अपना अहित, तो अपने आप क्षमा का भाव उमड़ेगा और वो सब चीजें जाएगी। आप अपने जीवन के अतीत को पलट कर देखें, बहुतों के साथ आपने ऐसा क्षमामय व्यवहार किया होगा,
जिनके बड़े बड़े दुर्व्यवहार को भी आपने नजरअंदाज किया अंतर मन से, आज उसके प्रति आपके मन में ना कोई गांठ है, ना क्षोभ है, ना शिकायत है, लेकिन जिसे आपने अंदर से क्षमादान नहीं किया, हो सकता उसकी छोटी सी गलती भी आपके अंतस को चुभ रही हो। तो बात अंतरंग की है, क्षमा मांगना और क्षमा करना कोई साधारण बात नहीं है। प्रातः काल मैंने इस पर विस्तार से चर्चा की थी और मैंने कहा था क्रोध हमारी दुर्बलता है और क्षमा हमारी ताकत है। इस ताकत को पहचाने, अपने अंदर की गांठों को खोले, मन को सरल बनाए, हो गया सो हो गया। देखिए क्षमा, अब पूरा सुनाऊंगा तो लोग आपको कोसने लगेंगे, आगे देखेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रसंग मेरे मानस में आ रहे हैं, अगर बोलूं तो फिर सुबह की भांति प्रवचन हो जाएगा, इसलिए अब प्रवचन को सुबह ही सीमित रखना ठीक है, पर अपने मन को क्षमा भाव से जोड़ना बहुत जरूरी। नमस्ते गुरुदेव। अरिहंत जी अजमेरा बड़वानी बावन गजा, आपके बाद तैयार रहेंगे इंजीनियर राजेंद्र जी भवन लाल जी, काला जालना महाराष्ट्र। यहाँ पर ही आ जाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न भी क्षमा के ऊपर ही है, आपने उसका आधा उत्तर तो इसी में दे दिया पिछले में। महाराज जी जैसे कहते हैं क्षमा वीरस से भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण होता है, पर गुरुवर जैसे आभूषण शरीर के ऊपर से पहनते हैं वैसे ही हम लोगों को बोलते हैं उत्तम क्षमा, पर मन से उन्हें क्षमा तो नहीं कर पाते हैं, तो गुरुवर ऐसा क्या करें कि क्षमा आत्मा का आभूषण बने शरीर का नहीं? बहुत अच्छी बात है। क्षमा वीरस्य भूषणम्, इस उक्ति को आपने एकदम अलग दिशा में ले जाकर के खड़ा कर दिया। ये बात सही है कि जो ऊपर से पहना जाता है उसे ऊपर से उतारा भी जाता है। लोक के जितने भी आभूषण हैं वे ऊपर से पहने जाते हैं और उतर भी जाते हैं, लेकिन ये वैभव के अनुसार आभूषण है, पर जो गुणों का आभूषण होता है ना वो भीतर पहनते हैं। तुम्हारे स्वर्णाभूषण तुम्हारे तन को अलंकृत करते हैं और तुम्हारे गुणों के आभूषण तुम्हारे चेतन को अलंकृत करते हैं, तुम्हारी आत्मा को अलंकृत करते हैं। क्षमा वीरस्य भूषणम्, इसके तात्पर्य अर्थ को समझिए। क्षमा वीरों का आभूषण है, मतलब वीर कौन? वीर वो नहीं जो योद्धा हो, वीर वह है जो सच्चे अर्थों में अपनी आत्मा को जानता हो। समझ गए? अपने भीतर के वैभव को समझता हो वो वीर है। तो यथार्थ देखा जाए तो क्षमा अंतर का आभूषण है और हमने क्षमा को आभूषण तो तन में धारा जाता है, हर आभूषण का एक स्थान है, मुकुट सिर में, कुंडल कान में, नथनी नाक में, कड़े हाथ में, बाजू बंद बाजू में, करधनी कमर में और पायल पांव में, है ना? वो वहीं सौंपती, ऊपर नीचे कर दो तो गड़बड़ हो जाएगा, हार गले में। लेकिन क्षमारूप भूषण कहां डालोगे? क्षमारूप आभूषण का स्थान कहां है पता है? वो हृदय में। कहां है? अपने हृदय में। जिसने क्षमारूप आभूषण धार लिया उसका उद्धार है। और एक बात बताऊं, तन के आभूषण पहनकर उतारे जा सकते हैं, पर हृदय के आभूषण को पहनने के बाद उतारने की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि वहां उतारने की बात नहीं, वो आभूषण हमें तार देता है। इसलिए क्षमा वीरस्य भूषणम् की उक्ति को समझे और अपने अंतर मन में उस
क्षमा के आदर्श को स्थापित कर। इंजीनियर राजेंद्र जी भमनलाल जी काला जालना महाराष्ट्र, आपके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी उस महामहोत्सव के कुबेर इंद्र। मुनि चरणों में त्रिवार नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव आप प्रमाण सागर, आपके द्वारा किया गया समाधान भी आज एक प्रमाण है गुरुदेव, और इसका प्रमाण जिज्ञासा समाधान की बढ़ती लोकप्रियता है गुरुदेव। आज सुबह के प्रवचन में आचार्य श्री द्वारा आपके नाम का उल्लेख भी एक महान प्रमाण है गुरुदेव। बोलो प्रमाण सागर जी महाराज की जय, अरे सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है जो बहुत दिनों से तो मन में ऐसा चुलबुल कर रहा था। भगवान और गुरुदेव के आशीर्वाद से पुण्य तथा पुण्य के उदय से हमारा आर्थिक सामाजिक स्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे निश्चित ही हमारा दायित्व भी बढ़ रहा है गुरुदेव। वो दायित्व क्या है और यह ऋण हम कैसे चुकाए तथा स्तर की प्रगति से स्वच्छंद वर्ती को कैसे कम करें? लास्ट का वाक्य फिर से बोले। काय की प्रगति से स्तर, ये आर्थिक और सामाजिक स्तर जो बढ़ रहा है गुरुदेव, स्तर की प्रगति, स्तर की प्रगति से स्वच्छंद वृत्ति भी बढ़ रही है गुरुदेव। हाँ हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, बात बिल्कुल सही है। पुण्य के बढ़ने से हमारी आर्थिक सामाजिक और भौतिक समृद्धि बढ़ रही है, उसके लिए हमारा दायित्व भी बढ़ रहा है। हम अपने जीवन स्तर के बढ़ने के साथ अपनी स्वच्छंद वृत्ति को कैसे नियंत्रित करें? देखिए पुण्य का दो काम है, एक भौतिक विकास और दूसरा आध्यात्मिक विकास। विगत दिनों मैंने आचार्य कुंदकुंदिक वांगमय के संदर्भ में दिए गए प्रवचनों में एक सप्ताह बल्कि 9 दिन केवल पुण्य पर चर्चा की है और लगभग 7 दिन पाप पर, आप जरूर सुनेंगे। और वहां हमने पुण्य और पाप के विषय में एक नया चिंतन दिया। आपके सवाल के संदर्भ में मैं उसी को संक्षेप में कहूंगा कि पुण्य हमारे भौतिक विकास का कारण भी है तो आध्यात्मिक विकास का भी कारण है। जो पुण्य के बल पर केवल भौतिक या बाहरी समृद्धि को बढ़ाते हैं उनका अधःपतन होता है, और जो पुण्य के बल पर अपने आध्यात्मिक विकास में लग जाते हैं उनका जीवनोत्थान होता है। पुण्य आपके पास भी है, पुण्य हमारे पास भी है। ये मत सोचना कि जिसके पास धन वैभव है वही पुण्यवान है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, ये मत सोचना कि जिसके पास धन वैभव है वही पुण्यवान है, क्योंकि यदि ऐसा देखोगे तो तुम सब पुण्यवानों की कोटि में आओगे और हम लोग क्या हुआ, क्या मानोगे हो राजी? तो ये व्याप्ति ठीक है क्या कि जिसके पास धन वैभव वो पुण्यवान है? नहीं, धन वैभव पुण्यवानों के पास होता है लेकिन जिसके पास धन वैभव है वही पुण्यवान है, ये अवधारणा गलत है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो पुण्य धन वैभव भी देता है और पुण्य गुण वैभव भी देता है। तुम्हारे पास धन वैभव है, हमारे पास गुण वैभव है। तुम्हारे पास धन वैभव है और हमारे पास गुण वैभव है, तुम अपने धन वैभव को त्याग कर कुछ पुण्य प्राप्त करते हो और संतों के गुण वैभव का परस पाकर लोग महापुण्य अर्जन करते हैं। कौन महान है? तो क्या कह रहा हूं बात को समझिए, अपने पुण्य को
अपने आध्यात्मिक विकास की दिशा में मोड़िए। केवल भौतिक समृद्धि में जाना अच्छी बात नहीं है, समृद्धि होगी, होने दीजिए, पर उसके साथ उसका भोग मत कीजिए, उसका त्याग कीजिए। आज मेरा पुण्य प्रबल हुआ, मेरे लिए अनुकूल संयोग मिले, धन वैभव ठाट बाट प्रतिष्ठा रसूख धाक रुतबा सब पा लिया, लेकिन ना मुझे इनमें अभिमान करना है, ना ही इनमें मुझे आशक्त होना है। ये सब जड़ हैं, छन छई हैं, यही नश्वर है, नष्ट हो जाने वाले। मुझे तो अपने आत्मा के गुण वैभव को विकसित करना है, भाव पुण्य को जगाना है। और भाव पुण्य को जगाने का मतलब है अपने भावों में पवित्रता लाना है। भावों की पवित्रता से गुण वैभव बनता है, बढ़ता है, और जिसका गुण वैभव बढ़ता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो उधर देखेंगे तो स्वच्छंद वृत्ति नहीं होगी। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो संपत्ति के शिखर पर बैठे हैं, लेकिन उनका जीवन अत्यंत साधारण है, अत्यंत साधारण। वो एक साधारण व्यक्ति की तरह रहते हैं, उनके अंदर किसी की आसक्ति नहीं, और विनम्रता की मूर्ति है। मैं समझता हूं ऐसे लोग केवल धन वैभव के धनी नहीं, गुण वैभव के भी धनी है, और उनके जीवन में संयम है, मर्यादा है, त्याग है, संस्कार है, और इसी वजह से वे समाज के आदर्श बनते हैं। इसलिए यदि धन वैभव पाया है, इतराना मत, इसका कोई ठिकाना नहीं। उनका भोग नहीं, त्याग करने का भाव रखना। त्याग में उन्नति है, भोग में पतन। धन वैभव पाना बुरा नहीं है, हमारे चक्रवर्तियों के पास तो अपार धन वैभव था। इस मर्तलोक में चक्रवर्ती से बड़ा धन किसी के पास नहीं होता, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसका भोग किया कि त्याग किया? बस यही आदर्श है। और जो दो भोगे वो कहां गए, कहां गए? समझ में आ गई बात? इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। तो हमें धन वैभव की जगह गुण वैभव को अपना आदर्श बनाना चाहिए। यदि वो बन गया तो फिर कुछ सोचने की बात ही नहीं। हम त्याग तप संयम के रास्ते को अंगीकार करें और धर्म के मर्म को जानकर अपने जीवन को तदनुरूप ढालने के लिए सचेष्ट हो। श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी दृष्टि गुणायतन और इस श्रावक संस्कार शिविर के कुबेर आगे तैयार रहेंगे अखिलेश जी शतवैया टीकमगढ़। मुनि द्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, एक बेहतरीन जीवन और खुशहाल जीवन जीने के लिए मानना जरूरी होता है कि जो हमारे पास है वही प्रकृति में सबसे अच्छा है। लेकिन गुरुदेव, इस चकाचौंध भरे प्रतिस्पर्धात्मक दौर में ऐसी सोच कैसे विकसित करें? बहुत अच्छी बात। एक बेहतरीन और खुशहाल जीवन जीने के लिए बहुत अच्छी बात है कि मेरे पास जो है वो ठीक है, पर्याप्त है। मैं अक्सर बोलता हूँ प्राप्त को पर्याप्त समझें, पर इस चकाचौंध भरी जिंदगी में जहाँ सब तरफ प्रतिस्पर्धा का दौर है, अपने आप को कैसे स्थिर करें? मैं एक ही बात कहता हूँ, लोक को देखोगे तो केवल भाग दौड़ होगी, और अपने आप को देखोगे तो विश्राम पाओगे। तय करो मुझे क्या करना है, भाग दौड़ या विश्राम। जिसकी लोक दृष्टि है वो तृष्णा में भटकेगा, मृग तृष्णा में भटकेगा, वो एक ऐसी दौड़ में उलझेगा जिसकी कोई मंजिल नहीं। हमें उनके पीछे नहीं भागना है, हमें अंदर से जागना है और अपने आप को पहचानना है। आखिर मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मेरे लिए जरूरत क्या है। मैं ये नहीं कहता कि आप अर्जित करने का प्रयास न करें, करें जो सहज रूप से हो, पर परेशान बिल्कुल ना हो,
तृष्णा और आसक्ति न रखे। ये मत सोचना जिसके पास अपार धन है उसके मन में अपार तृष्णा भी हो सकता है, धन सहज संयोग से उसके पास आए हों और उसका मन उसके प्रति अनाशक्त हो। और बहुत से ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके पास है कुछ नहीं पर चाह बहुत बड़ी है। मन की चाह को सीमित करें और प्राप्त को पर्याप्त समझने को अपना मूल मंत्र बना करके चलें, हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई देने में समर्थ हों। अखिलेश जी शतविया टीकमगढ़ ट्रस्टी गुणायतन सानत कुमार इंद्र श्रावक संस्कार शिविर के सानत कुमार इंद्र और आगे तैयार रहेंगे मंजू नरेंद्र सेठी गया। परम पूज गुरुदेव के चरणों में तिरवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मंडी मामोरा में संदान सागर जी महाराज विराजमान है, दुर्लभ सागर महाराज के संग में उन्होंने आपको बारंबार नमोस्तु बोला है। गुरुदेव हमारा अभी भैया जी प्रतिक्रमण करवा रहे थे, उनने एक सब कहा मैं सदाचार मुझ में सदाचार रहे सदाचारी सदाचार। इस सदाचार शब्द क्या है, इसके क्या मीनिंग है? सदाचार का आज का मीनिंग बताऊं? वे सदाचार का अर्थ यूं लगाते रहें, वे सदाचार का अर्थ यूं लगाते रहें सदा एक के चार बनाते रहें। नहीं महाराज जी जो प्रतिक्रम आज के सुनो तो आज के दौर में लोगों ने सदाचार का स्वरूप ऐसा बना दिया। सदाचार क्या? सत आचार का नाम सदाचार है। सत सम्यक आचार, संयत आचार, जिस आचरण में संयम की खलक हो वो सदाचार है, जिसमें सात्विकता है वो सदाचार है, जिसमें सरलता है वो सदाचार है और जिसमें संतोष है वह सदाचार है। आजकल लोगों ने कदाचार को ही सदाचार बना दिया। नमोस्तु नमोस्तु। मंजू नरेंद्र सिटी गया और आपके बाद तैयार रहेंगे प्रदीप जी जैन महावीर एजेंसी सागर इस श्रावक संस्कार शिविर के कुबेर। दोनों गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आज आपने सुबह प्रवचन में कहा था कि आज क्षमा का दिन है, हमें कोई कसाय नहीं बढ़ानी चाहिए, पर गुरुदेव अगर कोई जान के हर बार वही गलती करने की आदत बना ली हो तो क्या उसे भी क्षमा करना चाहिए? एक बात बताओ, कोई जो पागल होता है गाली गलौज करता है दुर्व्यवहार करता है उसको क्या करते हो? बोलो बोलो तो माइक पे। क्षमा क्या करते हैं हम? उससे प्रभावित ही नहीं होते, उसको इग्नोर करते हैं। क्यों? पागल है इसे। क्या पागल था इसे? पागल है तो जो बार बार गलती कर रहा है वो समझदार है क्या? नहीं। बोलो ना। नहीं है। समझ में आ गई बात? जो समझदार नहीं हो क्या है? अब पागल से जी लगाना पागलपन, तो वो पागल है तुम क्यों पागल हो रहे हो? हो जान दो उसको, उसको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो, मामला ठीक। चलिए प्रदीप जैन महावीर जैन एजेंसी सागर इस श्रावक संस्कार शिविर की कुबेर और आगे तैयार रहेंगे सुरेंद्र प्रीति जैन गुवाहाटी आसाम श्रावक संस्कार शिविर के चक्रवर्ती और शिरोमणि संरक्षक। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। महाराज जी प्रश्न आज के ही क्षमा पे से ही है, वैसे आपने अभी तक और बोल दिया है लेकिन जो आपने आज प्रसंग छेड़ा हुआ था दो परिवार के बीच में संधियों के बीच में, ऐसे ही कुछ प्रसंग अगर हमारे साथ हो तो हम उसको कैसे क्षमा करें, क्योंकि जब आपने आंखें बंद हमारी कराई थी तब उनका पूरा प्रकरण हमारे सामने आ गया था और मैंने संकल्प ले लिया था कि नहीं क्षमा करना है कैसे भी। अगर मान लो सामने वाला क्षमा नहीं करता तो उसके लिए हम क्या करें? हमने सोच लिया है कि यहां से जाने के बाद सबसे पहला काम वो ही करेंगे। जाने के बाद नहीं, हमने कर दिया सवेरे, आप क्षमा कर चुके। कर चुके हमने तो मामला तो क्लियर है। मैंने अपना अकाउंट क्लोज कर दिया, अब सामने वाला सेटल करे ना करे पर मेरे मन में उसके प्रति अब कोई गांठ नहीं होनी चाहिए। ठीक है ठीक। अब रहा सवाल यहां से जाकर सामने वाले से प्रत्यक्ष मिले। नहीं आपने तो महाराज जी मतलब वो किया था, बता रहा हूं ना, पर हम क्या करेंगे? बता रहा हूं भाई, आपने केस सामने रख दिया
आप ट्रीटमेंट के लिए टाइम तो दोगे? ट्रीटमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? जी, आपने अपने तत्काल में तो उसको मन से हटा दिया, पर मैं मानता हूं इतनी जल्दी मन के संस्कार नहीं जाते, वो अंदर से उद्वेलित करते हैं, परेशान करते हैं। तो ये संस्कार हमें दोबारा परेशान न करे, उसके लिए आपको पहला काम है, यदि उससे कोई कम्युनिकेशन हो तो अभी इस कार्यक्रम के बाद एक फोन लगाना, हो सकता है वो सुन भी रहा हो, हो सकता है, कोई असंभव नहीं है। उसको फोन लगाना, बोला भाई आज मेरा मन बड़ा उद्वेलित है, गुरुदेव ने मुझे आज हिला दिया, मैं किसी भी जीव से किसी भी प्राणी से किसी प्रकार का वैर नहीं रखना चाहता, हमारे आपके विचारों में भिन्नता रही, हो सकता है मेरे किसी व्यवहार से आपको तकलीफ हुई हो और आपके किसी व्यवहार के प्रति मेरी असहमति से मेरे मन में खिन्नता रही हो, लेकिन मैंने आज अपने मन की खिन्नता को खत्म कर दिया है, आपसे निवेदन है कि आप भी इसे खत्म करें और मुझे, मैं आपसे हृदय से क्षमा मांगता हूं, आप भी मुझे क्षमा करें। हो सकता है सामने वाले का भी हृदय बदला हो और वो भी कहे हाँ भैया ठीक है, कोई मतलब नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़ा करके रहने से हम लोगों ने लड़ के तो खूब जिया, अब कम से कम मिलकर जीने का आनंद ले। एक प्रतिक्रिया ये हो सकती है, अगर ऐसी हो गई तो समझ लेना आपका शिविर सार्थक हो गया। लेकिन बाई चांस यदि उसकी प्रतिक्रिया उल्टी हो, ये नौटंकी मत करो, नाटक करने की क्या जरूरत है, हो सकता है, होगा, ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेगी, हो सकता आपके ऊपर कोई उल्टे सीधे आरोप भी कर दे। आज एक सज्जन ने मुझसे आकर के कहा कि मैं आपसे प्रेरित होकर के ऐसे गया तो सामने वाले ने और उसके बेटे ने हम पर चार आरोप, ऐसे मिथ्या आरोप लगा दिए जिसका कोई सिर पैर भी नहीं था। मन में आता है गलेंगे, फिर भी हमें चाहिए कि हम अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, संयम बनाए रखें और अपनी सकारात्मकता को बनाए रखें, मन में खिन्नता नहीं लाए कि ये तो हमको रिस्पांस नहीं दे रहा है, ये समझ ले कि बीमारी पुरानी है, एक डोज में नहीं जाएगी, इसके लिए भी और डोजेज चाहिए, ठीक है, फिर प्रयास करेंगे, फिर प्रयास करेंगे, फिर प्रयास करेंगे। और जो मैंने उदाहरण आपको सुबह दिया था तस्वीर रखकर क्षमा मांगने की, वो प्रयोग करके तो देखो, प्रयोग करो, हो सकता अगला उदाहरण प्रदीप का हो जाए, और ऐसे एक नहीं कई प्रदीप यहां बैठे हैं, सब इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, इनको भोग रहे हैं, सब अपनों के ही बीच में ज्यादा खांच खींचाता नहीं है, किसी का भाई के साथ, किसी का बहन के साथ, किसी का पति, आपस के लोगों के साथ, उसको खत्म करना चाहते हो कि नहीं, सवाल तो ये है। अगर खत्म करना चाहते हो तो ठान लो कि अब मुझे खत्म करना ही है, तब होगा, बजाओ जोर से, धीमे धीमे क्या है ना, मन में ठानना पड़ेगा ये बीमारी मुझे से खत्म करना है और खत्म करके ही दम लेना है। हो जाए भैया हमने तो कर ली, वे नहीं सुने तो हम क्या करें, इससे काम नहीं चलेगा, ये खतरनाक स्थिति है, इसके लिए हमें बहुत दृढ़ता लानी होगी तभी कर पाएंगे। सुरेंद्र प्रीति एन गुवाहाटी आसाम, इस श्रावक संस्कार शिविर के चक्रवर्ती और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, आगे तैयार रहेंगे संतोष जैन रुमाल वाले नागपुर। नमोस्तु गुरुवर, मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। गुरुवर आपने अभी अभी जो शंका समाधान के वक्त कहा कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, मैंने शायद सैकड़ों जनों को ये आपकी ये लाइन अपने बताई है, और एक
कि धर्म हमारे संकट टालते नहीं बट हमें संकटों के समय संभालते हैं। ये दो लाइन। और अभी अभी आपने जो कहा कि एक्सपेरिमेंट, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि किसी से मैं खुद क्षमा मांगने आपके प्रवचनों से ही प्रेरित होके गया था, तो पहली बार मैं रेस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन मैंने अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखा और अंत में सब कुछ 100% नॉर्मल हो गया उनके साथ। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और बहुत हाल फिलहाल का ही एक्सपीरियंस है। प्रीति, गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, स्वाभिमान और अभिमान दोनों में क्या फर्क है, और हमें कहाँ स्वाभिमान रखनी चाहिए और कहाँ अभिमान नहीं करनी चाहिए, कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, स्वाभिमान और अभिमान, प्रायः लोग अभिमान को ही स्वाभिमान समझने का भ्रम पाल लेते हैं। स्वाभिमान क्या है, अभिमान क्या है, इसको और समझने के लिए हमें चार शब्दों को समझना है। स्वाभिमान, अभिमान, मान और मद। इसे पलटता हूँ, स्वाभिमान, मान, अभिमान और मद। अपनी गरिमा को बनाए रखना स्वाभिमान है, गरिमा को खंडित ना होने देना। आज मैं यहां बैठा हूं, ऊपर आप लोगों ने बिठाया, मैं बैठा हूं। जब 2007 में जब मध्यलोक में था, उत्तम मार्ग और धर्म का सवाल दिन था, शाम को एक पर्ची आ गई। शंका समाधान तो होता था, उस समय पर्चियों से होता था, लाइव नहीं चलता था। एक भाई ने पर्ची भेजी, उसमें लिखा, महाराज आप कहते हो सबको समान मानो, अपने आप को बड़ा नहीं मानो, तो आप चौकी पर क्यों बैठते हो, हम लोगों को जमीन पर क्यों बिठाया जाता है, क्या आप अपने आप को बड़ा नहीं मानते, आप चौकी पर क्यों बैठते हो, हम लोग जमीन पर क्यों बैठे हैं। हमने कहा, बात केवल इतनी है, हम चौकी पर बैठे हैं क्योंकि हम चौकीदार हैं और तुम लोग जमीन पर बैठे हो क्योंकि जमींदार हो। जो जमीन पर बैठे हो जमींदार और चौकी पर बैठे हो चौकीदार। फिर मैंने एक बात कहा कि मैं ऊंचे आसन पर बैठा नहीं हूं, आपने मुझे ऊंचे आसन पर बैठाया कि नहीं। और मेरी भावना अगर सोचो तो मैं तो चाहता हूं आप भी ऊंचे आसन पर बैठ जाओ। तैयार हो? जो जो ऊंचे आसन पर बैठना चाहे आ जाओ। हाँ, मैं चाहूं तो आपके बराबर भी बैठ सकता हूं। आपके बराबर बैठने से मेरा नहीं आपका नुकसान है, क्योंकि आपके हृदय में जो गुरु पद का बहुमान है वो कम हो जाएगा, तो उससे गुरु संस्था की गरिमा खंडित होगी। तो मेरा स्वाभिमान कहता है कि अपना बर्तन ऐसा करो कि तुम्हारी गरिमा बनी रहे। समझ में आई बात? तो अपनी गरिमा को बनाए रखना स्वाभिमान, ठीक। अपनी योग्यता के अनुरूप सम्मान की चाह रखना मान है। जितनी मेरी योग्यता उतना सम्मान मुझे मिलना चाहिए, ये मान है। स्वाभिमान में सम्मान की चाहने अपमान न हो, यह सावधानी है। पर मान में सम्मान की किंचित चाह है। और तीसरा है अभिमान, जो मान का बड़ा भाई। अपनी योग्यता से अधिक सम्मान की चाह, बहुत सारे लोग होते हैं, योग्यता से अधिक सम्मान की चाह। और इसका सबसे बड़ा भाई है मद। मद यानी नशा। जैसे नशे की हालत में रहने वाले व्यक्ति को अपने अलावा और कुछ सुस्ता नहीं, इसी तरह अपने अभिमान में ऐसा मत हो जाना कि अपने अलावा और किसी को कुछ गिनना ही नहीं,
यह मद जो मान का सबसे विकृत और खतरनाक रूप है, समझ गए? तो ये चारों में अंतर है और ये जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाकर घटित करता है। संतोष जैन रुमाल वाले नागपुर, आगे तैयार रहेंगे। दीपेंद्र जैन सतना। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, दर्शन विशुद्धि भावना का होना और सम्यक दर्शन का होना, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, दर्शन विशुद्धि भावना का होना एवं सम्यक दर्शन का होना, दोनों बात में क्या क्या फर्क है? हाँ महाराज, देखिए, दर्शन विशुद्धि और सम्यक दर्शन में बड़ा अंतर है। सम्यक दर्शन और शुद्ध सम्यक दर्शन, निर्मल सम्यक दर्शन किसी को भी हो सकता है। शास्त्र की भाषा में कहें तो छाईक सम्यक दृष्टि सबका सम्यक दर्शन निर्मल है। उपशम सम्यक दृष्टि भी जितनी देर के लिए सम्यक दृष्टि, उसका सम्यक दर्शन निर्मल है, उसमें कोई मल नहीं, लेकिन दर्शन विशुद्धि नहीं। दर्शन विशुद्धि बहुत ऊंची चीज है। दर्शन विशुद्धि का मतलब है विश्व कल्याण की भावना से अनुप्राणित निर्मल सम्यक दर्शन, समझ गए? तो वो दर्शन विशुद्धि है जहां अपने साथ सारे जगत के कल्याण की प्रबल ललक हो, समझ गए? चलिए, दीपेंद्र जैन सतना, आपके बाद तैयार रहेंगे दीपिका जैन पुणे महाराष्ट्र। मुनि द्वय के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, पंछी अपने बच्चों के लिए घोंसला नहीं बनाते बल्कि उन्हें उड़ना सिखाते हैं, किंतु हम अपने बच्चों के लिए उड़ना नहीं बल्कि घोंसला बनाने में व्यस्त रहते हैं। हम पंखी जैसे कैसे बने, कृपया समाधान करें। पंछी अपने बच्चों के लिए घोंसला नहीं बनाते, उड़ना सिखाते हैं, पर हम अपने बच्चों के लिए उड़ना सिखाने की जगह घोंसला बनाने में ही व्यस्त रहते हैं। हम पंछियों की तरह कैसे बने? आराम से बन सकते हो, बशर्ते पंछी की तरह जीना सीख लो। पंछी की तरह जीना सीख लो मतलब क्या? पंछी केवल पेट के लिए जीते हैं, उनके पास पेटी नहीं है। बात समझ में आई? क्या बोला? पंछी केवल पेट के लिए जीते हैं, उनके साथ पेटी नहीं है। तुम भी केवल पेट तक सीमित हो जाओ, पेटियों को अलग कर दो, तुम भी उड़ोगे और सबको उड़ना सिखाने में समर्थ हो जाओ। दीपिका जैन पुणे महाराष्ट्र। हाँ, कमल तैयार रहेंगे। कमल कुमार जी जैन शैपरा विटोनी। शीघ्रता से पहुंचे, तब तक राजी जैन पिंडरई। राजी जैन पिंडरई, जल्दी पहुंचे। पिंडरी से आज तीन चार नाम है और लेकिन एक शहर से एक ही नाम लिया जा रहा है क्योंकि संख्या ज्यादा होने की वजह से। बोलिए। बोले, ओम नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। सैपरा जैन समाज की ओर से नमोस्तु महाराज। गुरुदेव, जीव और शब्द सबके पास होते हैं मगर जो अपनों के लिए जीते हैं वह कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए लिए जीते हैं वो कह लेते हैं। गुरुदेव, रिश्ते में सहन की सीमा क्या होना चाहिए? जो औरों के लिए जीते हैं वो सह लेते हैं और जो अपने लिए जीते हैं वो कह लेते हैं, ऐसा कह रहे हैं जी। हमारे रिश्तों में क्या होना चाहिए? बस मैं इतना कहूँगा कि रिश्तों में कहना कम, सहना सीखना चाहिए। चलिए आगे जी। नमोस्तु महाराज। दीपिका जैन पुणे महाराष्ट्र, आपके बाद तैयार रहेंगे राजी जैन पिंडरी। ओम जल्दी। तीनों लोगों के जीवों के ओर से मुनि द्वय के चरणों में अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरी शंका है कि हमने हमेशा से ये देखते व सुनते आ रहे हैं कि जब भी हमारे द्वारा यदा कदा जिन प्रतिमा जी की अनादर हो जाता है तो उसका दुष्परिणाम हमें तत्काल या कुछ दिनों बाद देखने को अवश्य मिलता है, लेकिन वर्तमान में बंगाल के पुरुलिया जिले में
अनंत का हजारों वर्ष प्राचीन जिन मंदिर हैं, जिनकी जिन प्रतिमा जी के श्री चरणों में प्रतिदिन सैकड़ों बकरों की बलि दी जा रही है, और इस हिंसक प्रवृत्ति में उन बलि देने वालों के मनोरथ की पूर्ति हो रही है, ऐसा क्यों? ऐसा है, ये व्हाट्सएप के माध्यम से जो समाचार फैलाए जा रहे हैं, ये समाचार थोड़ा गंभीरता से समझने के लायक है। जिस तरीके से उसे प्रस्तुत किया जा रहा है वो वास्तविकता नहीं है। ये पुरुलिया के पास पागबीरा एक स्थान है, और जहाँ ऐसा होता है, हमारे कभी मंदिर थे वो ध्वस्त हो गए, और वहाँ आसपास के इलाके के लोगों की मान्यता उससे जुड़ी हुई है, वो उनकी पूजा अर्चा करते हैं। समाज की स्थिति नहीं है कि वहाँ कुछ कर सके, लेकिन फिर भी हमारी समाज ने जागरूकता से काफ़ी कुछ करने का प्रयास किया है। जहाँ तक मुझे जानकारी है वहाँ नित्य बलि नहीं होती, अब उसमें काफ़ी कुछ नियंत्रण किया गया है। पर जब व्हाट्सएप के माध्यम से ये सब बातें घुमा दी जाती है और स्थानीय लोगों से पूछे बिना, तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। इसमें पुरुलिया के पास के आसपास की समाज, कोलकाता की समाज भी इस कार्य के लिए काफ़ी सजग रही है, और मुझे जहाँ तक ध्यान है दिगंबर भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा ने भी इस क्षेत्र में काम किया है। पर चीज़ें ऐसी पेचीदा है कि उनका कोई ऐसा हल नहीं निकाला जा सकता। तो लोगों से भी मैं कहूँगा कि ऐसी चीज़ों को तभी पोस्ट कीजिए जब आपको उसकी वास्तविकता का पता है। बेहतर होता कि जिस व्यक्ति ने यह पोस्ट जारी किया है, एक बार पागबीरा जाते, वहाँ की वास्तविकता को समझते, वहाँ की सामाजिक परिस्थितियों को भावते, फिर देखते कि इसका कारण क्या है और निवारण का उपाय क्या है। इस तरह के पोस्टों को डालने से लोग उद्वेलित होते हैं और कर कुछ पाते नहीं, वो भी व्हाट्सएप पर पोस्ट पर पोस्ट चला देंगे। तो ऐसे पोस्ट चलाने से काम नहीं होगा। वहाँ के सारे बंगाली बंधुओं की आस्था उससे जुड़ी हुई, वो मरने मारने के लिए तैयार है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? उसके लिए बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता। और ऐसे एक नहीं, पूरे देश में हजारों अवशेष ऐसे हैं जो आज ध्वस्त हो गए, हम उन्हें बचा नहीं पाए, और दूसरे लोग उनको अपने अपने तरीके से पूज रहे हैं। बहुतों को वापस लाया भी गया है, आगे के लिए भी प्रयास करना चाहिए। राजी जैन पिंडरी आगे तैयार रहेंगे। कमल कुमार अनीता जी जैन, गुड़गांव हरियाणा, श्रावक संस्कार शिविर के महायज्ञ नायक। हो गया, राजी हो गए कमल कुमार। हाँ, कमल कुमार जी, अनीता जी जैन, गुड़गांव। और आज गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में भी गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं। बंधुओं, देश और दुनिया के जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, श्रावक संस्कार शिविर का यह आयोजन गुणायतन परिसर सम्मेलन शिखर से हो रहा है, और आप प्रातः 5 बजे से ही पूज्य महाराज श्री के भावना आयोग के माध्यम से इस शिविर का शुभारंभ होता है, जिसका लाइव प्रसारण प्रामाणिक ऐप और जिनवाणी चैनल पर आप प्रातः काल से देख सकते हैं। आप प्रामाणिक पर श्रावक संस्कार शिविर का प्रत्येक कार्यक्रम आप उस पर लाइव देख सकते हैं, जिनवाणी चैनल पर भावना योग, उसके बाद में अभिषेक, शांति धारा, और प्रातः काल पूज्य महाराज श्री का 8:40 से 10 धर्म पर प्रवचन, ये सभी आप लाइव जिनवाणी चैनल पर प्रामाणिक ऐप। अगर जिनवाणी चैनल पर बीच में ब्रेक होता है तो आप प्रामाणिक ऐप पर लगातार यह कार्यक्रम लाइव चलता है, उस पर आप देख सकते हैं। कमल कुमार जी, अनीता जी जैन, गुड़गांव हरियाणा। गुरुदेव को कोटि कोटि नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मैं 1990 से श्री विद्यासागर महाराज जी से जुड़ा हुआ हूँ, और आपसे 2013 से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हमारे को कितना परिग्रह, कितना धन रखना चाहिए? परिग्रह कितना रखना चाहिए? अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूँ एक ढेला भी नहीं रखना चाहिए। हमारे पास है क्या? नहीं है ना। आप कहो महाराज आपने तो अपनी बात कर ली, हमारी क्या? तो मैं इतना ही कहूँगा, जितनी अपनी ज़रूरत है उतना रखना चाहिए। ज़रूरत की सीमा बना लो, जो तुम्हारी आधारभूत आवश्यकताएं और जो तुम्हारी विलासतापूर्ण आवश्यकताओं को भी पूरी कर सके,
इसके और आगे बढ़ जाओ, जो तुम्हारी आपत्ति विपत्ति के लिए रख लिया जाए वो हो जाए, और थोड़ा बढ़ा लो तो थोड़े बहुत अपने संतान के लिए रख लो, हो जाए, और कितना चाहिए? संतान को जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है तो क्यों रख रहे हो? और आजकल की संतान तो यही कहती है, एक बार मैं वाराणसी में था, एक परिवार मेरे पास आया, वो बहुत भागदौड़ करते थे, बेटा BHU से IIT कर रहा था, पिता ने कहा महाराज मैं ये सोचता हूँ बस इनके लिए थोड़ा कुछ कर दूँ, उसकी धर्मपत्नी ने शिकायत किया कि महाराज जी बहुत भागदौड़ करते हैं, इनको कहिए थोड़ा कम करें, तो बोले महाराज जी बस मैं ये सोचता हूँ इनके लिए कुछ कर लूँ, बेटा वहीं बैठा था, उन्होंने कहा पापा आप हमारे लिए कुछ मत करो, आपने हमें इतना पढ़ा दिया है कि हमारा जीवन चल जाएगा, आप तो अपने लिए करो। पर पता नहीं लोग क्यों करते हैं, ध्यान रखना जरूरत के लिए कमाना तुम्हारा दायित्व है, और बिना जरूरत के लिए कमाना पाप। या तो जरूरत के लिए कमाओ या जरूरतमंदों के लिए कमाओ, इसके अलावा और कमाने का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यदि इतना हो जाए तो जीवन निहाल हो जाए। माता जी आपके प्रवचन में दो चीज मैंने बहुत सीखी हैं, एक है कि हिम्मत रखनी चाहिए, एक दूसरा जो है जब जितनी आयु है उसको कोई रोक नहीं सकता, और जो आयु जाना है वो रोक कर नहीं सकता। मेरे साथ ये हुआ है, 2006 में मैंने अपना एंजियोग्राफी